प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शी सर, एक्चुअली हम नवादा जिला से आए हुए हैं और हम लोग 2019 पास बेल्टन कैंडिडेट हैं और हम लोग बीते 2 वर्षों से पास करके बैठे हुए हैं, मेरिट में आकर भी बैठे हुए हैं। हम लोग एग्ज़ाम 2019 में दिए थे और पाँच मार्च 2020 को रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया था। उसमें से फाइनल मेरिट लिस्ट 7311 लोगों को बना था, जिसमें से अभी भी 4411 लोग बचे हुए हैं। दो वर्ष बीत चुके हैं, तब भी 4411 लोग बचे हुए हैं। सर आपसे तो हम लोग कई बार मिल चुके हैं सर और अपना व्यथा सुना चुके हैं। LRC विभाग में आने वाली थी बट यहाँ से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, अभी तक बाकी लोगों का नियोजन नहीं हो पाया है। सर बांका जिला से लिया बेल्ट्रोन ने पैनल बनाया हुआ है, ठीक है ना, उसके बाद सरकार से अधियाचना आती है, रिक्विजिशन, ये लोग को मालूम है, सब चीज मालूम है कि उसके बाद ही हम लोग सप्लाई करते हैं। अधियाचना ये कभी हम आश्वासन में एक महीना में ऐसा कुछ खत्म हो जाएगा, सरकार पर डिपेंडेंसी है ना, सुझिए समझ लीजिए, डिपेंडेंसी है कि अगर रिक्तियाँ आती, हम लोग पैनल बना के रेडी हैं रोज़ रोज़ धीरे धीरे 2-4, 10, 20, 100 महीने में 150 करीब रिक्तियाँ आती रहती है, हम लोग भरते रहते हैं, सब लड़कों को मिलता भी है, आप लोग जानते हैं सब लोग, लेकिन एक बड़ा रिक्ति करीब करीब वही बोल रहे हैं 4000 के पास हमारे पास पैनल में लड़के पड़े हुए हैं। सरकार से रिक्तियाँ के लिए हम मार्केटिंग भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं रेगुलर, अगर आ जाती है तो उसमें से सब जा रहा है रेगुलर, लेकिन तेज़ी से नहीं आ जाएगा, तेज़ी से रिक्तियाँ भर जाएगी, सरकार से हम लोग प्रयासरत हैं रिक्तियाँ आ जाए। अरे ठीक है, गया है बांका जिला से, अभी भी आया हुआ है, आया सर हमारे, ठीक है सर। अरे कहीं बचा, चिट्ठी आती है ERP पे, रिक्विजिशन आता है, ERP क्या है जिसके तहत 73 किया गया, बाकी का हाँ हाँ सुनिए बताते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही, बात समझ है, अरे बात समझ पा रहे हैं ना, समझिए पहले, रिक्ति आ रही है, रिक्ति दोबारा बाका का भी रिक्ति 58 का आने वाला है, हम लोग बात प्रयासरत है। आजकल में साथ बेसिक प्रॉब्लम क्या है, आजकल में फुलफिल हो बेल्ट्रोन से बोला जाता है कि आप अपने जिला में जाकर रिक्विजिशन भेजवाइए, हम लोग दिन रात वहाँ मेहनत करते हैं, वहाँ भी इग्नोर किया जाता है, बावजूद जब रिक्विजिशन आती है, जितना रिक्विजिशन आती है ना उसके बावजूद भी हम लोग को पूरा नहीं दिया जाता है, आपको नहीं मालूम, सुनिए पूरा, और फिर पुनः हम लोग को बोला जाता है कि रिक्विजिशन भेजिए, तो कितना हम लोग करते रहे, पूरा का कारण है बाका से आया हुआ, हम लोग फोन पर है, चिट्ठी आने से नहीं, सुनिए बात है, चिट्ठी आ रही, हम लोग उनको ये कहते हैं सर हर डिस्ट्रिक्ट का प्रॉब्लम अपडेटेड है, सब एक मिनट सर, ये चिट्ठी नहीं है, ये ERP पोर्टल पे भेजा हुआ रिक्विजिशन है, 126 सीट के विरुद्ध में मात्र 73 का ही नियोजन किया गया, बाकी का क्यों फिर 58 का भेजा जा रहा है वहाँ से, आजकल में हम लोग वहाँ से मंगवा रहे हैं सर, प्रतिदिन हम लोग अपने जिला में जाकर प्रयास करते हैं, जाते हैं सर तो भगा दिया जाता है, बोला जाता है कि पटना जाइए, लक्की साहब 4 मांगे हैं सर, मैं मीडिया के माध्यम से, अरे सर मीडिया के माध्यम से कुछ मत बोलिए सर, एक सर हमारा क्वेश्चन मीडिया के माध्यम से, अच्छा प्लीज सर हमारा क्वेश्चन सुनिए सर, ये 2 वर्षों से यही हो रहा है सर, पहला क्वेश्चन हमारा यही है सर कि प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता आनी चाहिए, जो कि बेल्ट्रोन अभी तक पारदर्शिता नहीं ला पाई है सर, और दूसरी बात सर, दूसरा क्वेश्चन सुन लीजिए, जी जी 7411 बच्चे का पारदर्शिता का जो रिजल्ट निकला है वो पैनल पब्लिकेशन भी पब्लिक हुआ है, सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम इसमें है, समझे कि नहीं, नाम है, हो रही है, सब लोग जानते हैं, और जिला उला का सबका चॉइस उनका दिया हुआ है, समझे ना, हम लोग IT विभाग के वेबसाइट पर भी 4-5 सर्कुलर डाले हुए हैं, नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होती है उसके संबंध में गाइडलाइंस दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है सर कि अगर बेल्ट्रोन विभाग पर अधियाचना के लिए दबाव नहीं बना सकती तो सभी नोडल पदाधिकारी का फोन नंबर साथ में लिस्ट जारी कर दे, हम लोग खुद अप्रोच कर लेंगे, हम लोग खुद जाएंगे, हम लोग खुद देखिए सर, हम लोग हमेशा बार बार इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग कृपया, अरे जारी करने से किसी का प्राइवेट चीज आधार नंबर वगैरह उसमें होता है तो हम लोग नहीं, आप उसको निकाल दीजिए सर, जहाँ तक संभव हो ये वाला बात आप लोग हमसे संपर्क में रहिए, और जिस नोडल अफसर का डिटेल्स अगर बोलेंगे जैसे रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया था सर,
उस तरह से उसको भी प्रकाशित कर दिया गया सर, अप्रूवल वगैरह लेना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग का मांग आपसे अगस्त में हम लोग ने किया था कि सर जिला वाइज हम लोग का एक पैनल बता दीजिए ताकि ये पता चल सके कि मेरा नंबर किस जिला में कहाँ पर है। हम 5 डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस चूज किए हैं तो पता है आपके द्वारा मिल गया सर अगस्त में। 26 अगस्त को दिया गया है सर, उसका वीडियो भी है, मीडिया के द्वारा भी आपने बोला है, ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ अरे ये बात ठीक है, ओके सही समझिए, पहले बात हल्ला मत, अरे एलआरसी जो भी हम जो चाह रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं पैनल प्रकाशित करें और जिला वाइज करने से आपको कैटेगरी 2-3 क्राइटेरिया आप तो मालूम है, कैटेगरी रोस्टर है, जिला है, आपका च्वाइस है और प्लस वरीयता है, 3 च्वाइस है। तो जिला अगर एक तरह से हम लोग पब्लिश करते भी हैं तो अब रोस्टर बीच में आ जाता है और रोस्टर को डी रिजर्व करने का पावर नहीं है। सपोज हमको बता रहे हैं 100 पॉइंट रोस्टर है, हमारे पास गर्ल्स एससी नहीं है, ईडब्ल्यूएस एससी नहीं है, तो जो जो पॉइंट पर वो पड़ता है खाली क्यों रह जाता है उसका भी जवाब है ये, जिस पॉइंट पर वो पड़ता है नंबर वो पर वैकेंट होता ही नहीं, आगे बढ़ जाता है रोस्टर, तो वो जो पद है 4-5 100 में 5-7 खाली रह जाता है, बात समझ रहे हैं ना, वही इसीलिए आप सुधारने का सरकारी प्रक्रिया। अच्छा सर, अरे डी रिजर्व बेल्ट्रोन का क्या मतलब, बेल्ट्रोन सबकी प्रक्रिया कर रही है सर, सर सर पोर्टल में ऐसा हो जाता है ईआरपी तो ईआरपी को सुधारने का मतलब जिम्मा किसका है, नहीं ना ईआरपी तो रोस्टर के अनुसार बना है ना, रोस्टर में डी रिजर्व, अगर सुन लीजिए बात आप समझ लीजिए अच्छे से, अगर लड़की ईआरपी एससी रोस्टर लड़की पर है तो उसको दूसरे आदमी से जनरल से या किसी से नहीं भराया सकता है, वो खाली ही रहना है सरकारी प्रक्रिया के अनुसार, वही ईआरपी में डाला हुआ है, बात समझ गए। 40 पर मान लिया, सपोज कि 40 पर एससी गर्ल्स है, एससी गर्ल्स मेरे पास है नहीं पूरा पैनल में, ठीक है ना, सबका हो गया, तो अब जो आता है तो ब्लैंक रह के आगे बढ़ जाता है, तो आप बोलते हैं ना ये क्यों खाली रह जाता है पद, उसी लिए खाली रहा सर, एक डिमेरिट और क्या है सर, उसका मतलब उसका भी हम लोग उपाय कर रहे हैं, आप ठीक है वो खाली रह जाता है पद, सीट बचा हुआ रह जाता है एससी का एसटी का, अब फिर आप लोगों के द्वारा बोला जाता है कि आप जिला में जाएं फिर से अध्याचना करवाएं, फिर आएगा फिर नए सिरे से फिर से यहाँ से ऑफर लेटर जाएगा, आपके आपके द्वारा बोला गया है सर, हम ये कभी नहीं बताया, आप जिला में जाइए, आपने हम लोग संपर्क आप कहीं मत जाइए, हम लोग बात समझिए, जिला में जितना परेशान हुए हैं ना, हम हमको टेलीफोन नंबर और जिला का अधिकारी का दे दीजिए, कोई भी दो एक आदमी मिलकर चाहे टेलीफोन से ही हम जिला से बात करेंगे, समझे ना, आप लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं है, ये सब ठीक है, हमारे पास कोई पेंडिंग नहीं है, आपकी ईआरपी सिस्टम का, आपकी ईआरपी सिस्टम का प्रॉब्लम को हम समझ रहे हैं, आप ऐसा किया जाए आपके द्वारा कि जिला वाइज पैनल प्रकाशित कर दिया जाए, मतलब एससी एसटी को मत देखते कुछ नहीं देखिए, अब जिला वाइज आप पैनल प्रकाशित कर दीजिए, जो भी आएगा हम लोग बस देखते रहेंगे उसको, संतुष्ट रहेंगे, समझिए गौर से थोड़ा सा ये जरा कैमरा हटाइए, नहीं सर यही तो जिला का 5 च्वाइस है, 5 च्वाइस जिला का दिया हुआ है, 5 च्वाइस है ना, तो 5 जिला का च्वाइस अगर वैकेंसी आती है किसी जिले में तो कोई भी जिला वाइज हम क्या 5 जिला का च्वाइस है, एक जिला कैसे होगा बता दीजिए, 5 जिला का च्वाइस है तो उसको कौन सा जिला मांगने है? किसी एक व्यक्ति को हम वो तो हो सकती है ना, जैसे मैं पटना में किस रैंक पे हूँ, फिर नालंदा में किस रैंक पे हूँ, इस तरीके से तो डिस्ट्रिक्टेशन कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, हम यही पूछ रहे हैं, एक एक आदमी का सुनिए, एक एक आदमी का तो बस यहाँ सारा कुछ डिजिटलाइज है सर, सारा चीज तो कंप्यूटर करेगी, एक आदमी का 5 रैंकिंग आएगा, जिला के वाइज जी सर 5 रैंकिंग आएगा एक जिला का, तो समझिए कि हर आदमी के पर कितना रैंकिंग आ जाए। सर सर आपसे हम विनती करते हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं सर कि आप इतने लोगों में से 5 या 10 या 20 लोगों को आप ले लें, बिना पैसे का हम लोग पैनल प्रकाशित करने में आपका मदद करेंगे और किस तरह से होगा मुझे पता है, आप मुझे एक बार मौका दें और मैं आपको बता दूंगा कि कैसे प्रकाशित होगा और कैसे एसटी कैटेगरी वाइज कैसे बढ़ जाएगा, जिला वाइज बांट कर हम लोग प्रकाशित करवाने में आपका मदद करेंगे, समझ गए, आपका मांग हम रख लिए, एक कॉपी दे दीजिए हमको प्लीज, एक कॉपी दे दीजिए, ठीक है ना, कॉपी दे दीजिए सर, इसका निराकरण साइन करके हम लोग दे, ठीक है, आप हम लोगों को कम
होगा सर? घबराइए मत, सस्ता हो रहा है सर। दो क्वेश्चन फांसी लगा ले सर, एक क्वेश्चन और हम लोग फांसी लगा ले सर। अरे दिमाग, दिमाग 4000 हम नियुक्ति तुरंत ले आए पद, बताइए पद कहाँ से लाए।